चीन से जश्न और मातम दोनों की तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया का डर बढ़ गया है। पहला वीडियो चीन में नए साल के जश्न का है और दूसरा वीडियो चीन के ही अस्पतालों का है, जहां कोरोना इन्फेक्शन की वजह से बेड्स की कमी हो गई है। एक तरफ बीजिंग जैसे शहर हैं जहां पर कोविड का नया पीक आ चुका है, दूसरी तरफ चीन के ही कई शहरों में कोरोना के डेथ रेट बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद बहुत ज्यादा लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए घरों से बाहर निकले, क्योंकि इससे पहले साल 2021 और 22 में चीन के ज्यादातर इलाकों में सख्त पाबंदियां थी। इन दिनों चीन में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है और मॉर्चरीज में शवों को रखने की जगह नहीं है। कम से कम जो खबरें छनके आ रही हैं वो तो यही बताती हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो चीन की सरकार ने बिना तैयारी के ही सारे प्रतिबंध हटा दिए। अब चीन से कोरोना की नई वेव शुरू होने का डर बढ़ गया है, इसलिए भारत समेत दुनिया के करीब 13 देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कारोबार से जुड़े हुए, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो जानकार हैं, उनका यही मानना है कि ज्यादा से अगर डेथ रेट यानी कि मॉर्टेलिटी अगर कंट्रोल में रही तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोज हो जाएंगे, उनको नेचुरल इम्यूनिटी मिलेगी और इस तरह से कारोबारी मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ये एक तरह से राहत वाली बात भी होगी। लेकिन सबकी नजरें हैं इसी बात पर कि बीमारी ज्यादा ना फैले, अगर फैल रही है तो वो कम से कम मॉर्टेलिटी में तब्दील ना हो।